हमारा देश पश्चिम की ओर भाग रहा है, पश्चिम हमारे देश की ओर भाग रहा है। हम उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं, वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। हम उनकी पुस्तकों में श्रेष्ठ मानने लगे हैं, वो हमारे वेदों में खोज करके आ रहे हैं। हमें उनके वस्त्र अच्छे लगते हैं, वो हमारे वस्त्रों को अपना रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि वो लोग हमारे से 20-50 वर्ष आगे हैं इन चीज़ों के अंदर, खोज के अंदर, समझ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। जो चीज़ें आज हमारे देश के अंदर विकसित हो रही है, उनके वहाँ वो 50 साल से उपलब्ध हैं। फिर भी वो हमारी संस्कृति को क्यों अपना रहे हैं? वृंदावन के अंदर देखिए, धोती कुर्ता डाले हुए, जा करके अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखिए, साड़ी पहने हुए, हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करते हुए, मंदिरों में बैठे हुए, तिलक लगाए हुए, नंगे पैर घूमते हुए। ऐसे ही तो नहीं मानेंगे वो लोग। कुछ तो उन्होंने देखा होगा इसमें, हमारी संस्कृति में कुछ तो खोज की होगी उन्होंने, जिससे उन्होंने नंगे पैरों चलना शुरू कर दिया, वस्त्र बदलना शुरू कर दिया, और हम उनकी संस्कृति को अपनाने लगे। हम अपने देवताओं को कमजोर समझने लगे, हम अपने बच्चों के ऊपर अंग्रेजी भाषा का जोर देने लगे। अगर किसी का बच्चा इंग्लिश नहीं जानता तो समझो वो कुछ नहीं जानता, वो अनपढ़ है। अगर किसी का बच्चा इंग्लिश जानने लगा, उसे कुछ आता हो ना आता हो, नॉलेज हो ना हो, ज्ञान हो ना हो, बोलने का तरीका आता हो ना आता हो, वो बस वो समझदार बना दिया हमने। ये जो बदलाव चल रहा है, हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, इस 20 वर्ष के अंदर वो बदलाव होंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा। पूरे विश्व के अंदर सब बदल जाएगा, खान पान, रहना सहना, देवी देवता, संत महात्मा, ऋषि मुनि। तो हम जिस दौर में चल रहे हैं, उस दौर में हमें इतना समझना और सोचना पड़ेगा कि कैसे हम अपने बच्चों का पालन पोषण करें, कहाँ उनकी शिक्षा कराई जाए, कैसे उनके दिमाग को विकसित किया जाए, कैसे संस्कृति के साथ साथ हमारी विरासत के साथ भी जोड़ करके रखा जाए, कैसे हमें उनको महामानव बनाना है, कैसे हमारे बच्चे तेज तीव्र बुद्धि के हों, कैसे हमारे बच्चे अपनी सनातन परंपरा को ले करके पूरे विश्व के अंदर जाएं और सनातन का डंका पूरे विश्व में बजाएं। लेकिन एक हम हैं कि जीसस को उठा लाए, बाइबल को उठा लाए, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे दिया, कॉन्वेंट स्कूलों में चले गए। आप अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे, वो लोग पहचान रहे हैं पश्चिम के, कि आपके अंदर आपकी संस्कृति कितनी ताकतवर है। लेकिन आप अपनी संस्कृति को, अपने विचारों को, अपने ज्ञान को, अपने प्रभाव को, अपने विज्ञान को, अपने संस्कारों को, अपनी मर्यादाओं को भूल गए हो। वहाँ लोग एक विवाह कराने लगे, यहाँ लोग लिव इन में रहने लगे, वहाँ दायरा जो हमारा था वो बन रहा है, यहाँ दायरा वो बन रहा जो उनका था, खेलने से लेकर के भोजन तक का। तो आप अपने बच्चों के विकास के लिए, संपूर्ण जीवन के विकास के लिए, चेतना के लिए, अपने संस्कृति सनातन की नींव को मजबूत करने का प्रयास करें और अपने बच्चों को अपनी संस्कृति और विरासत के साथ जोड़ करके रखें। खान पान, रहना सहना, देवी देवता, संत महात्मा, ऋषि मुनि।